दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात के अंदर जो तबाही आया है उनको लेकर के क्वेश्चन सरकार की तरफ से भी अनाउंसमेंट किया गया है। क्योंकि दोस्तों, पिछले दिन गुजरात के अंदर इतना खतरनाक तबाही आया है जहां पे 33 गांव को खाली कर दिया गया है। उनके अलावा मोदी सरकार ने सभी जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों, बताया जाता है कि समुद्र में जो उठने वाली लहर है उनका 5 मीटर तक ऊंची जा रही है। अब सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक लहर है जो कि 5 मीटर तक हाइट तक जा रही है इनका लहर। उनके अलावा दोस्तों, यहाँ पे जो NDRF की टीम है, बताया जाता है कि तकरीबन 27 से लेकर के 30 टीमें को तैनात कर दिया गया है, ख़ास तौर से उन सभी इलाकों के अंदर जो भी उस तट पर आते हैं, आसपास के गांव हैं जहाँ पे खतरा यानी कि होने का आशंका है, उन सभी गांव को खाली कर दिया गया है। वहीं पे दोस्तों, मौसम विभाग की तरफ से भी बताया जाता है कि कई ऐसे गांव हैं जहां पे पेड़ को बिल्कुल हवाओं में उड़ाते हुए जा रहा है। उनके अलावा बहुत सारे घर और जान माल के नुकसान हुआ है, जिनको देखते हुए मोदी सरकार ने सभी जगह NDRF की टीम ज़्यादा से ज़्यादा तैनात कर दिया गया है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। दोस्तों, वहीं पे कुछ ऐसे गांव हैं जैसे कि द्वारका है, मांडवी है और बीपोर ज्वाय करके गांव है जहां पे दोस्तों बिजली वगैरह है, और उस गांव में अभी भी बताया जाता है कि मूसलाधार बारिश कंटिन्यू है जिनके कारण जो तूफान है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बताया जाता है कि जो मौसम विभाग है उनके तरफ से पहले ही अलर्ट कर दिया गया था कि अरब सागर में उठने वाले जो चक्रवाती तूफान है जिसका असर गुजरात बिजर पाए पे देखा गया है, और फाइनली दोस्तों इतना खतरनाक तूफान आया। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि NDRF की टीम वहाँ पर तैनात किया गया है और सभी 33 जिलों के अंदर हेल्पलाइन नंबर और साथ में NDRF की टीम जो भी वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का काम कर रहा था कि किसी तरह का भी जान माल का नुकसान ना हो सके। इनको ही दोस्तों देखते हुए कुवैत सरकार, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी अनाउंसमेंट किया गया है कि यह इंसानियत के लिए एक दर्दनाक हादसा है जिनका कोई भी पूर्ति नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी भी गुजरात के लिए प्रे करें, दुआ करें कि सब कुछ जल्द ठीक हो जाए। और दोस्तों, इस चैनल पे कुवैत से और इंडिया से सभी अपडेट देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।